অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়ক, এই আহ্বান জনালে নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰী মেধা পাটকাৰে। এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই আহ্বান মেধা পাটকাৰৰ। आज एक बहुत गंभीर खबर आई है, वो है अखिल गोगोई जी के कोरोना ग्रस्त होने की। आसाम का ये कृषक नेता, युवा नेता है और उनके साथ एक बहुत बड़ी जनशक्ति जुटी हुई है। उस जनशक्ति के आधार पर उन्होंने बहुत कड़े मुद्दों पर सशक्त संघर्ष किया है और जीत ली है, और वो संघर्ष न्याय, समता और किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के हित में। ये सूचना अधिकार के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता भी रहे हैं और उन्होंने जैविक विविधता वाला एक प्रदेश आसाम के तहत निर्माण करके अपना निर्माण का कार्य भी साबित किया है। लेकिन उनको 200 से अधिक दिन तक, अब जिस जेल में मैं भी उनको मिलने गई थी, डाला रखा गया, वहाँ स्वास्थ्य की कोई चिंता सरकार ने नहीं की, ये बात निश्चित है। और इसीलिए आज वो कोरोना ग्रस्त होकर अस्पताल में है, पर अगर उनके जान को कोई भी धोखा हुआ तो सरकार दोषी मानी जाएगी। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की ठोस भूमिका है। हम मांग करते हैं कि उनको तत्काल बिन शर्त रिहा किया जाए, या कम से कम तत्काल जमानत पर या पैरोल पर छोड़ा जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी होते हुए असम सरकार ने और केंद्र सरकार ने उसका पालन नहीं किया है, और अखिल गोगोई की जान बचाई जाए।